गलतियां हो जाती हो कहां, थोड़ा सा रीसेट लाइफ को करने से, थोड़ा सा रीसेट करना है आप भी ठीक हो जाए। तो ये इसीलिए मैंने नाम रखा है रीसेटिंग, थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, थोड़ा अवेयर हो जाओ, थोड़ा समझो कि इस एरिया पे ध्यान देना है। घर में अगर माँ है, एक मिनट के लिए भी अगर माँ के पास अलग से चले जाते हो तो आपने काट लिया, या घर में बच्चे हैं थोड़ी देर के लिए उनके साथ खेल लेते हो तो आपने बहुत अच्छा काम किया। या जहाँ हम काम करते हैं वर्क कल्चर, उस वर्क कल्चर पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जिसके साथ काम कर रहे हैं वो भी हमारा परिवार है और वो परिवार के प्रति भी आपका वो कर्तव्य होता है जो आपको करना है। तो वहाँ हम सिर्फ हम आते हैं, हमारा काम करते हैं और चले जाते हैं, इस ढंग से जीवन नहीं जिया जाता। वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरिंग, कंपैशनेट, वार्म हार्टेड, अंडरस्टैंड अदर पीपल्स सिचुएशन और उस हिसाब से हम जीवन जिए तो फिर बहुत सही होता है। तो खैर मैंने जो सब बातें सामने रखी है, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप ये किताब जरूर पढ़िए, पढ़ने में भी बड़ी आसान है। जो योग की अमुख प्रक्रियाएं लिखी है मैंने बताई है, सिंपल से आसन, अपने हाथ को ऊपर सिर्फ नमस्ते पकड़ लेना है या शरीर को थोड़ा सा खींच लेना है या इधर उधर करना है, उसमें कोई बड़ा बड़ी खाली साइंस नहीं है, लेकिन वो जरूरी है करना, क्योंकि हमारा मन शरीर के ऊपर मन से नक्की किया ना कि मुझे हेल्दी रहना है और थोड़ी सी चीज अगर मैंने कर दी तो आप हेल्दी रहोगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन अगर मन ही नहीं है वहाँ और हर जगह दूसरी जगह बिजी है, थोड़ा समय तो शरीर को दो, थोड़ा समय तो बिजी को दो, और अलग से समय नहीं निकालना पड़ता, जीवन जीते जीते ये हो जाता है। बहुत बार योग के प्रति लोगों की बहुत गलत धारणा है, एक घंटा निकाल के आसन करना है भाई, सूर्य नमस्कार करना है, सिर पर खड़ा रहना है, योग में ये तो बहुत छोटा सा काम है। ये ना करके अगर आप बहुत चल भी रहे हो, सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हो, एक्टिव हो तो ठीक है, 5 मिनट भी अगर आप खाना खाने के पहले कुछ कर लिया तो बहुत हो जाता है, लेकिन याद रखें करना, मुझे याद रखना पड़ेगा कि मेरे शरीर की अपनी भाषा है, मैं समझूँ। मैंने कहा ना कि शरीर अपनी भाषा बोलता है, कि मैं बैठे लंबे समय आप बैठते हो थोड़ा लगता है अरे कमर थोड़ी टाइट हो रही है, तो खड़े हो जाओ, थोड़ा चल लो, अब ये शरीर की भाषा है, जरा वो शरीर की भाषा को समझो, लेना लिसन टू योर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज सेल्फ वुड हेल्प यू टू मेंटेन गुड हेल्थ। कोई भी प्रॉब्लम अचानक कभी नहीं आता, धीरे धीरे डेवलप होता है, जब वो डेवलप हो रहा है तभी ध्यान दे दो ना तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। योगा टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन और ये प्रिवेंशन बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, ऐसे ऐसे उदाहरण है कि आप एक कोई भी पन्ना खोल दोगे ना और थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको कुछ उसमें से काफ़ी समझदारी आ जाएगी। तो बस कोशिश तो यही है कि जिंदगी तो सिंपल उसको कॉम्प्लिकेट हमने बनाया है, दुनिया में स्ट्रेस जैसा कुछ है ही नहीं, दुनिया वैसे ही चलती जैसे चल रही है, वो जैसे कहते हैं ना कि हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जीता है, हर व्यक्ति का अपना सत्य है, अपने अनुभव है, एवरीवन लिव्स अकॉर्डिंगली। जानवरों को देख लो, हमारे सामने गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, सिंह है, हमने उनको तो एक्सेप्ट कर लिया है कि ये कुत्ता है वो भौंकेगा ही, तो इंसानों को क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर पाते, उनको भी समझदारी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जीवन सही ढंग से जी सकते हैं बिना घायल हुए। तो हमें यही देखना है कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना है, वो चीजें कभी चूकनी नहीं चाहिए, और फिर यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू रियली एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। यू शुड एंजॉय लाइफ इज गिवन टू अस एज अ गिफ्ट ऑफ लव, वो प्यार, वो हृदय का, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट है और योग के बारे में अवेयरनेस, एक्चुअली मेरे हिसाब से हर व्यक्ति योग में जीवन ही जी रहा है थोड़ा बहुत। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप योग कर रहे हो, अगर आप सोच कर कुछ काम कर रहे हैं
करते हो तो वह योग आ जाए। माइंड और बॉडी का बैलेंस इज योग, एक्सीलेंस इन वर्क इज योग, कंप्लीट मास्टरी ओवर माइंड इज योग, ये सब योग की डेफिनेशन। तो मेरे ख्याल से हर इंसान कुछ न कुछ तो योग कर ही लेता है। अब जहाँ तक आजकल की पॉपुलैरिटी की बात आ गई, योग मतलब सिर पे खड़ा है, योग मतलब पेड़ हिला रहा है, योग मतलब हाँ ये कर रहा है, वो जरा दुनिया में गलत धारणाएं आ गई है या अलग चीजों पर इम्पोर्टेंस दिया है, जबकि इम्पोर्टेंस देना चाहिए माइंड को। हम इंसान मन से ज्यादा दुखी होते हैं, शरीर से तो दुखी नहीं होते, शरीर से गिर गए तो शरीर को ठीक करना है, उसमें प्रॉब्लम है ठीक हो जाता है, तो हमने माइंड में, क्योंकि माइंड जहाँ डिस्टर्ब हुआ सीधा उससे शरीर डिस्टर्ब होता है। पर में तनाव आया, चिंता हुई, दुखी हुए, क्या होगा क्या होगा, एंजाइटी हुई, सीधा उसका असर शरीर पर पड़ता है और शरीर के सारे अंदर के अवयव अपना काम बराबर नहीं करते, तो फिर शरीर जमा करता है फैट, नहीं तो फैट कन्वर्ट हो जाना चाहिए एनर्जी में लेकिन नहीं हो, तो फैट जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ग्लूकोज जमा हो गया, डायबिटीज हो गया, फिर हम रोगमय हो जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं ना, तब पहली बात हम करते हैं कि मन की स्थिति को ठीक करना। अभी कोई भी काम है आपको बताओ, टेंशन लेके भी कर सकते हैं और टेंशन के बिना भी कर सकते हैं, सीखना ये है कि टेंशन के बिना काम कैसे करें, थोड़ा योग शास्त्र सीखना होगा, एक बार सीख लोगे तो जीवन बहुत ही अच्छी तरह से देगा। और ये अमुक जो इस सारे पॉइंट्स जो हमने बताए, सबसे पहला है वर्क कल्चर, आप काम कैसे करते हो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करो, वही काम अगर पूरे मन के साथ करोगे, एकाग्रता के साथ करोगे, तो वही काम जो करने में आपको 8 घंटे लगते हैं वो काम आप 4 घंटे में कर पाएंगे और आपके पास 4 घंटा स्पेयर रहेगा बहुत कुछ करने के लिए। वो वर्क कल्चर को थोड़ा रीएडजस्ट करना वो कर सकता है आप। एक डॉक्टर बैठा है, कंसल्टेंट है, पेशेंट आ रहा है, वो यही टेबल पे ही बैठा है, नीचे से ऊपर हार्ट को पंप करना पड़ता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो स्ट्रेट पड़ता है हार्ट को, उसकी जगह पर पेशेंट को दरवाजे तक छोड़ दें, दरवाजे पर से वापस दूसरे पेशेंट को ले आए, उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हेल्थ भी ठीक रहेगी। मैंने ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो हम सब अगर ध्यान दे दें ना तो बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। वर्क कल्चर है, फिर आपका जो परसेप्शन है, आपका दुनिया देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया। प्रॉब्लम आते हैं वो आपको दुखी करने के लिए नहीं आते, प्रॉब्लम आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करें तब तक कितनी अकल आ जाती है इंसान, और फिर वो आगे और काम आ जाए। प्रॉब्लम को नेगेटिवली नहीं लेना, थोड़ा सा परसेप्शन कर मेरे को तो पेन नहीं चाहिए, पेन से शरीर को भी फायदा होगा, पेन रिलीविंग हॉर्मोन डेवलप होंगे और पेन रिलीविंग हॉर्मोन से वो हॉर्मोन दूसरी जगह भी काम आ जाएंगे, ये थोड़ी सी समझ आ जाए ना। काफ़ी तो डरते हैं ना प्रॉब्लम से, कोई क्या बोलेगा, क्या होगा, दर्द हो जाएगा, तकलीफें आ जाएगी, सब होगा ही, इंसान मस्त रहेगा। तो ये हम सिखा देते हैं, नींद बहुत अच्छी चीज है, आप क्या खाते हो वो सब ये सारी बातें साफ, ये सब पॉइंट है। आसन थोड़े से सिंपल से आसन, बैठे बैठे ही कर लिए, बैठे हुए जरा यूँ ही पाँव कर लिए, पैर को एक पाँव ऊपर ही ले आए तो हड्डी मार के बैठे तो एक्सरसाइज हो जाती है, तो एक छोटी छोटी चीज़ है लेकिन आता होता है। जैसे कि मुंबई में भाग दौड़ की जिंदगी, हर कोई स्ट्रेस में रहता है, तो किस तरीके से मेंटेन करा जाए उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह आप देना चाहते हैं? यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना, ये जो किताब लॉन्च हुई है बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने पूरी जिंदगी में देखे हैं। कहाँ कहाँ लोग गलतियाँ करते हैं, एक जगह लग जाते हैं, पैसा कमाना है तो पैसे कमाने में, घूमना है तो घूमने में, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बस वही उसको आनंद देगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता, आनंद यूं ही नहीं आ जाता, हमें अमुक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करनी पड़ेगी, अमुक एरिया में हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, और वो सारे एरिया समझ कर मैंने रखे हैं, क्योंकि मैं जिंदगी भर देख रही हूँ कहाँ लोग गलतियाँ करते हैं। मेरे पास लाखों लोग, मैंने लोगों को काउंसिल किया है कि क्या क्या ढंग से वो एक जगह काफ़ी सक्सेसफुल, आपके पास
एरिया में कितने फेल्योर हैं, परिवार टूट रहा है, दोस्त सर्कल खत्म हो रहे हैं, फिर बस वो खुद और वो पैसा जिसका कोई आनंद उसे नहीं मिलता। अगर आपने कुछ किया भी है तो खुशी बांटने वाला भी कोई चाहिए, दुख के साथ में बांटने वाला कोई चाहिए, तो कोई नहीं रहता, क्योंकि आप एक जगह ऐसे लग गए हो कि दूसरे सारे एरिया आपने इग्नोर कर दिए। तब जीवन में यूं तो नहीं चलेगा। जब शरीर दिया है तो शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है, और शरीर के लिए क्या क्या करना वो हमने बता दिया है कि दो लिटिल थिंग्स, हमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करने, लेकिन ध्यान जरूर रखना है कि हर क्षेत्र में हम अवेयर हैं। योगा इज अ साइंस ऑफ अवेयरनेस। हर क्षेत्र में अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि भाई मैंने सवेरे से रात तक क्या खाया, कब खाया, कितने बजे खाया, सब कुछ हो जाएगा। एक बार को जो याद आता है कि जू बीच पर मैं चल रही थी, पहले तो गर्दी इतनी नहीं थी तो मैं वहाँ चली जाती थी, और चल रही थी तो एक हीरोइन उस समय की फेमस, वो चल रही थी और उसकी जो बेबी है आया, वो उसकी बच्ची को गोद में लेके उसके साथ चल रही थी, और बेबी बार बार कह रही थी मम्मी मम्मी, और ये हीरोइन हाथ में वज़न उठाकर कितने 5-5 किलो का दोनों हाथ में वज़न उठाकर चल रही थी एक्सरसाइज के लिए। अब मेरा इतना ही कहना है कि अगर एक्सरसाइज के लिए चल रहे हो तो बच्ची को गोद में उठा के भी चल लो ना, वो भी तो वज़न ही है, एक कॉमन सेंस की बात है। मगर लोग अटक गए हैं, बस इतने किलो इतना ही होना चाहिए, इतना ही कैलोरी खाना खाना चाहिए, ये सब जो हम अटक गए हैं ना, वो थोड़ा सा रीसेट करो लाइफ को तो बहुत आनंद आ जाएगा। मैम, फर्स्ट योगा वुमन होने के नाते आप वुमन्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजरते हैं? देखिए, वुमन के बॉडी में तो अमुक योग की टेक्निक्स बहुत बहुत ज़रूरी है। एक शरीर के लिए तो ज़रूरी है कि जब पीरियड शुरू होता है और पीरियड के बाद जो वो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन लड़कियों में बहुत आता है, पीरियड्स के वक्त उन्हें दर्द और क्रैम्प्स होते हैं, ये सब चीज़ें तो यूँ ठीक होती है योग के थोड़े से आसन कर लो, अमुक आसन यहाँ सर्कुलेशन बढ़ाने में, वो इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसी तरह लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है, उस समय उसके मन की स्थिति और उसको कैसा रहना चाहिए, किस तरह की सोच होनी चाहिए, ये भी बहुत मायने रखती है। और मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को शादी के पहले तो योग सीखना ही चाहिए, पीरियड के समय भी सीख ही लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में योग बहुत फ़ायदा करता है। हमने प्रेगनेंसी के कोर्स किए हैं यहाँ रखे हैं इंस्टीट्यूट में, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल कैंप्स, जब प्रेग्नेंट हो तब कैसे अपना ध्यान दिया जाए, और डिलीवरी के बाद कैसे ध्यान दिया जाए, कैसे अपने शरीर को बिल्कुल वापस स्वस्थ कर दिया जाए, ये पहले जैसा शादी के पहले का शरीर फिर आ जाना चाहिए, ये सब योग बताता है, और ये सीखना बहुत वुमन के लिए योग। मैं तो कहती हूँ योग में ना मैन और वुमन का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, योग में हम बात करते हैं मन की स्थिति क्या है, उस हिसाब से योग होना चाहिए। लेकिन औरतों के आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में, क्योंकि औरतें काम भी करती है, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है, उनके स्कूल भी उन्हें जाना पड़ता है, बहुत कुछ कर लेती है, तो उनको किस तरह जीवन जीना चाहिए हम सिखा दें, सिर्फ उस पर काम तो कर डालेंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर प्रॉब्लम सॉल्व मेडिसिन नहीं करती। मेडिसिन कोई रोग को शरीर से हटाने में मदद नहीं करती, मेडिसिन उस रोग के साथ जीवन जीने में मदद कर देती है, आप जी रहे हो उस मेडिसिन के साथ, लेकिन फिर वो मेडिसिन भी काम नहीं आएगी आगे जाके, और वो मेडिसिन के अपना साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही, वो तो हर मेडिसिन का है, कोई भी मेडिसिन वो जाओ जरा गूगल में पढ़ लो कितने कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स को जब ठीक करने लगते हो, अपना थोड़ा ध्यान देने लगते हो, तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप को छूट जाती। हमने बहुत रिसर्च किया है हार्ट पेशेंट्स पे, डायबिटिक्स पे, अस्थमा पे, सब जगह जहाँ कहते हैं मेडिसिन के बिना ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अब वो सारे लोग जो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, हमें कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दवा लेंगे तो और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए फिर दवा बंद हो जाती है या बिल्कुल माइनर हो जाती है। तो ये समझदारी भी आ जाती है कि मुझे अपना ध्यान खुद देना है स्वस्थ रहने के लिए, और सिर्फ स्वस्थ रह के क्या होगा, स्वस्थ रह के स्वस्थ जीवन, अच्छा जीवन, लोगों के काम आए हम, ये भी तो उतना ही ज़रूरी है। खुद के लिए तो जानवर भी जीता है भाई, दूसरों के लिए जीना ज़रूरी है, जब दूसरों के लिए जीते हैं तो बहुत आनंद आता है, वर्थ वाइल्डनेस फील होती है कि यार जीवन में कुछ किया। बिल्कुल, बस उस स्ट्रेस में
ना रह के भी वही भाग दौड़ की ज़िंदगी कर सकता है आदमी। वही दौड़ो, खूब स्ट्रगल करो, स्लॉग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है, ये समझ लो। कभी ओवर टाइम भी करना पड़े कर डालो, अगर ओवर टाइम करते वक्त ध्यान दो कि 4 घंटे हुए, एक बूटी चना तो मुँह में डाल लो, एक गिलास नींबू पानी तो पी लो, उतना सिर्फ ध्यान देना है कि समय समय पर मुँह में कुछ चला जाना चाहिए। काम करो, रात को नहीं नींद आई तो दिन में खाली पेट सो जाओगे तो आधे घंटे में आपको आराम मिल जाएगा, और पेट भर के सोओगे तो आराम नहीं मिलेगा शरीर को, क्योंकि शरीर तो उसको पचाने में लगा है। तो ये छोटी छोटी बातें, अगर अच्छा नहीं सोओगे तो क्या होता है, और अच्छी नींद लेने के लिए क्या जी। हम इंसान सब लोग जीवन तो जी लेते हैं, मगर आजकल इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी शुरू हुई है, इतना तनाव बढ़ गया है कि आदमी भाग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना स्पीड में भाग रहा है, मगर वो भाग रहा है। और इसके लिए अगर लगता है कि कुछ नहीं किया जाए तो पीछे रह जाएगा, इसलिए करते ही रहते हैं, मगर कहीं शांति से 2 मिनट रुक कर सोचते नहीं हैं कि भाई कैसे मुझे अपना जीवन जीना है। और यही कुछ गड़बड़ हो रही है कि 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक आके यंग लड़का ख़त्म हो जाता है, 28 साल में डायबिटीज़ से ग्रस्त हो जाता है, तो कहीं अस्थमा इतना ख़राब हो जाता है कि वो सांस लेने के लिए तकलीफ़ हो रही है, रात को नींद नहीं आती, स्लीप एपनिया ऐसा मुंह पे वो लगा कर और सोना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी शुरू हो गई है, बीमारी नई नई तरह की बीमारी आ रही है। और मैंने देखा है पूरे जीवन काल में, अब मैं खुद 75 साल की हूँ, 50 साल से मैं योग में सिखा रही हूँ, उससे भी ज़्यादा, और मैंने देखा है कि इंसान गलतियाँ कहाँ कहाँ करता है, वो ज़रा गलती नहीं करेगा तो स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, पूरा परिवार अच्छा रहेगा। और मैंने वो चीज़ें मेरी किताब में बताई है, ऐसी 7-7 चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना ही है, उसे नज़रअंदाज मत करिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और वो करेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे पहला आता है काम, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो वर्क कल्चर, तो काम करते वक्त थोड़ा सा याद रख के, मैं अगर कुर्सी पे बैठी हूँ आगे झुक के कंप्यूटर पे हूँ तो थोड़ा सा याद रख के मैं ऊपर तो देख ही सकती हूँ, काम तो सोच रही हूँ तो आँख बंद करके भी सोच सकती हूँ, थोड़ा उठकर और बारी के पास जाके दूर की कोई चीज़ देख सकती हूँ, क्योंकि पास में ही देख रही हूँ मैं तो टेंशन बढ़ जाता है दिमाग में। ये तो छोटी छोटी चीज़ें बताई मैंने, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, पलाठी मार के बैठ सकूँ तो पलाठी मार के बैठ के कुर्सी पर काम कर सकती हूँ तो ये सारी हड्डियाँ और सब कुछ ठीक रहेगा, हार्ट तक सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर इस तरह रहूँगी तो ये छोटी छोटी बातें वर्क करते वक्त ध्यान रखनी है। काम करते वक्त कुर्सी पे ही ज़रा आगे झुक गई, ज़रा साइड में यूँ कर लिया, यूँ कर लिया, गर्दन को ही ठीक कर लिया, क्योंकि सब तनाव आ जाता है गर्दन पर, शोल्डर पर, शोल्डर स्टिफ शोल्डर, ये सब बहुत कॉमन है वर्किंग लोगों में, तो ये वर्क कल्चर में थोड़ा बदलाव लाना, ये एक इश्यू है मेरा। और वहाँ सब अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, पानी पीना है तो प्यून को मत बुलाओ, आप उठकर जाके पानी पी के और आ जाओ तो आपका चलना हो जाएगा, जितना हो सके इंसान चलता रहे ना तो वो स्वस्थ रहेगा। एक जगह बैठ गया ना तो वो फिर किडनी भी डिस्टर्ब, लिवर भी ख़राब, पेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स, गैसेस, एसिडिटी, हेडेक, माइग्रेन, चक्कर आना, ये सब शुरू हो जाता है एक जगह बैठे बैठे ज़िंदगी बिता रहे तो। माइक और उसके साथ भी आदमी बैठा बैठा देखता रहता है दुनिया के साथ, मगर इस पे बिजी। हम कहते हैं खुद उठो, शरीर को हलाओ चलाओ, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वर्क कल्चर की बात है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम अपना लेंगे, एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको खुद अंदाज आ जाएगा कि मुझे कैसे काम करना है। आप सब अपने क्षेत्र में, और हम देख रहे हैं, हम कोर्स कर रहे हैं, कैब कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और हमने देखा है कि कैसे ये छोटा छोटा सीख कर वो अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। प्रिंट बुक के अलावा ई-बुक, ऑडियो बुक ऐसा कुछ है? वो सभी हम बिल्कुल आज के युग के साथ जो जो ज़रूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए वो सब हमारे साथ है। और सबसे ज़्यादा मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ उसका प्रेसी फॉर्म मेरे YouTube टॉक्स में है, मेरे YouTube टॉक्स काफ़ी पॉपुलर हैं, मोर देन 3.5 मिलियन लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं,
और बहुत सारे लोग, मैं जहाँ भी जाती हूँ, फिर रशिया, अमेरिका, जर्मनी, अभी मैं कहाँ थी, मैं फ्रांस में थी, स्पेन में थी, वो हर जगह लोग पहचानने लगे हैं क्योंकि वो सुनते हैं वो टॉक। थोड़ा लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है क्योंकि परिवार के ही कोई लोग मर गया है। अभी कोरोना के टाइम पे तो कितने ही घरों में डेथ हो गई है, अपना खुद का खोया हुआ आदमी इतना दुखी रहता है, जब ये सुनता है तो बात उसकी और हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अपनी सोच को थोड़ा बदलो। अभी मेरा नहीं है मगर जो है उसको तो मदद करो, जिंदा नहीं है मगर जो मृत्यु है। थोड़ा सा जब माइंड बदलेगा तो जीवन अच्छा होगा। इस किताब में वो सब है ना, क्योंकि माइंड को ही पहले पकड़ना है। आदमी हेल्दी नहीं रह सकता अगर दिमाग को सही स्थिति में नहीं रखा तो। ह्यूमन माइंड सुपरसीज बॉडी, इसलिए हमारी योग में जो भी बातें होंगी सबसे पहले मन के साथ होगी, और मन के साथ शरीर जुड़ा है। शरीर में कुछ प्रॉब्लम है वो तो ठीक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है मन के स्वभाव को बदलना, और वो स्वभाव को बदला जा सकता है अगर वो ध्यान दे दो। आजकल के